नमस्कार। कोरोना ओ एथि जोगु होइथिबा लॉकडाउन लागि देशरे 9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रो आर्थिक क्षति हेबो। तबे आम देशर आर्थिक स्थिति अन्य देश तुलना रे बेस भला अछि। देशर अर्थनैतिक स्थिति ओ ताकु संभालिबाकु आरबीआई नेउतबा कतेक पदक्षेप संपर्क रे आज सूचना दैछन्ती गवर्नर शक्तिकांत दास। एक सांबादिक सम्मेलन से कतेक पदक्षेप नै घोषणा मध्य करिछन्ती। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट ह्रास करिछि। से कहिछन्ती देशर वित्तीय नियंत्रण ह्रास करिबा लागि उद्यम चलिछि। बैंकिंग क्षेत्र संपूर्ण कार्यक्षम अछि। देशर 91% एटीएम काम करुछि। बजार रे नगद परिमाण बढ़ाइबा सह आर्थिक चाप कम करिबा एवं बजार को स्वाभाविक करिबा लागि आरबीआई कतेक पदक्षेप नेउथुबा कहिछन्ती शक्तिकांत दास। सेभळे अन्य आदेश पर्यंत बैंक गुडिक डिविडेंड घोषणा न करिबाकु से कहिछन्ती। Liquidity in the banking system has risen significantly in the wake of government spending and the various liquidity enhancing measures undertaken by the RBI. On April 15, the amount absorbed under reverse repo operations was 6.9 lakh crore. On April 15th, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4% because that is a matter which is decided by the MPC, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%. It has now been decided to increase the WMA limit of states by 60% over and above the level as on March 31st, 2020, to provide greater comfort to the states for undertaking COVID containment and mitigation efforts and also to plan their market borrowing programs better. संपर्क में अधिक प्रतिक्रिया आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती चार्टर्ड अकाउंटेंट तथा अर्थनीति समीक्षक चित्तरंजन बेहरा। सीत बेहरा आपको स्वागत। जो भाव में आज आरबीआई गवर्नर किसी घोषणा करेर आर्थिक क्षति संपर्क में सूचना देखते विकास दर बाकी देशगुड़िक तुलन में भल रही तो आरबीआई पक्ष आज जो घोषणा गुड़िकाई आपको लगुच देशर आर्थिक स्थित को संभाल केत दूर सक्षम हो पार देखु एक सत जे जो कथा आरबीआई गवर्नर कहले जी ट्वेंटी बैठक रे जो आलोचना है आईएमएफ जो तथ्य देखती पखापाखि ग्लोबल जीडीपी 9 ट्रिलियन डॉलर जोटा कि जर्मनी और जापान जीडीपी संगे सामान क्षति होती आम देशर स्थित कथा जहाँ कहते माइक्रो इकोनोमिक परिस्थिति जो देखा जाए तो आम देशर स्थित एत अधिक भयंकर नुहे आज कंपेयर्ड विथ अदर्स किंतु परिस्थिति निश्चित भाव में बहुत भल नुह ए कौन संदेह ना बाकी आश्वासन देवाक जो कथा से कहते जे आम देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एवं भी 476.5 बिलियन डॉलर अच्छी जोटा कि पखापाखि 11.8 मंथ इंपोर्ट पर क्षमता रखुच बाकी आम मान अर्थव्यवस्था भितर लिक्विडिटी को बढ़ेवा मानने बैंक एवं अर्थ लगाणकारी संस्था गुड़िक पर्याप्त परिमाण में टंका अवेलेबल रही व्यवस्था रिजर्व बैंक करिसेंती जो थे कि से रिवर्स रिपो 0.25% कमे जहाँफल कि 690,000 कोटी टंका जोटा रिजर्व बैंक पाखे जोटा गच्छित रखा होटा बैंक एवं अर्थ लगाणकारी संस्था से लेंडिंग करें बाकी नाबार्ड सीडबी आउ नेशनल हाउसिंग बैंक एम 50,000 कोटी टंकार रिफाइनान्सिंग जहाँफल कि से पुणी फर्दर ताकु लेंडिंग करें विभिन्न सेक्टर गुड़िक विशेषकर कृषि आउ एमएसएमई एवं हाउसिंग क्षेत्र में बाकी आउ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एवं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी गुड़िक 50,000 कोटी टंका स्टार्टिंग रु करिसेंती व्यवस्था कारण आम देश में बहुत छोट छोट व्यवसायी अच्छा जो मैंने बैंक रु सीधा न लेकर माइक्रो फाइनेंस माध्यम रे एवं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी माध्यम रे से माने ऋण नहीं था से सब गुड़िक लिक्विडिटी को स्थिरीकृत करने रिजर्व बैंक अनेक गुड़े पदक्षेप नहीं बाकी जोटा सबुठ इंपोर्टेंट जोटा अनेक दर्शकों काम आसीपे जोटा कि एनपीए क्लासिफिकेशन जोटा बैंक हुए से 90 दिन जदि डिफल्ट हुए तो एनपीए हो जाए अर्थात लोन नहीं
लोक लोन नहीं संस्था जी 90 दिन भितर सुध ऋण परिशोध न करते सेटा एनपीएन रे क्लासिफिकेशन हो जाए ताप 90 दिन अधिक समय रिजर्व बैंक अलाउ कर तो गोटे बड़ा आश्वस्ति कहपर जो शेष पॉइंट आप कहले साधारण जो मान रही जो मैंने ग्राहक रही हाँ निश्चय यहाँ गोटे आश्वस्ति कारण प्रथम कथा 30 दिन तीन मसर जो मोराटोरियम मान घोषणा कराई 27 मार्च रे तापर यहाँ आउ गोटे निश्चित भाव गोटे आश्वस्ति मूलक घोषणा किंतु मु भावुचे यहाँ रिजर्व बैंक गवर्नर जो कथा कहले जो घोषणा से कले शेष घोषणा नुहे कारण आम समस्ते जाने मे 3 तारीख पर्यंत लॉकडाउन आम देश पृथ्वीर अनेक देश लॉकडाउन पुणी घोषणा होणु आगामी दिन स्थित को देखिकी पुणी रिजर्व बैंक आहरी कि रिलैक्सेशन करती घोषणा करती सूचना से किंतु आम जो देखा तो गोटे आश्वस्तिमूलक कथा या मानने अर्थनैतिक खराब स्थिति सत्वे आम देशर लिक्विडिटी व्यवस्था जोटा मानने अर्थ अवेलेबिलिटी मानने अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विथ बैंक्स एवं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एवं माइक्रो फाइनेंस कंपनी गुड़िक निश्चितता कर रिजर्व बैंक गोटे चिंता करा जाउथला जे से संपर्क में हुए तो आज गवर्नर कही पारंती कारण गत 27 तारीख में जितेबले एककालीन 75 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कमे देथिले किंतु बैंक गुड़िक रे ताहा रिफ्लेक्शन देखा को मिलनथिला बैंक गुड़िक सुध र परिमाण ह्रास करनथिले से संपर्क में बैंक को किछि निर्देश देबे बोली आशा करा जाउथला सेटा निश्चित भाव गोटे समस्या कथा जोटा आपण कहले कारण आम देखी जे गत वर्षे भितर पखापाखि 2.05% पॉलिसी रेट कमाई मानने 27 तारीख मध्य 0.75% जो पॉलिसी रेट कमे रिजर्व बैंक सेटा किंतु इमीडिएटली बैंक माने से सुधार रे सेतिकि ह्रास करै नांदी तेणु यहाँ गोटे निश्चित भाव गोटे चिंतार कथा कारण बैंक गुड़िकर आर्थिक स्थिति भल ना आम समस्त जाचे किंतु रिजर्व बैंक निश्चित भाव में बैंक गुड़िक आलोचना करी जी सुधहार ह्रास घटाऊ रिजर्व बैंक से अनुसार बैंक गुड़िक केमती जो मैंने ऋण नहीं इंटरेस्ट रेट कमेबे ताप्रति पदक्षेप निश्चित नवार आवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद चित्त बेहरा आपंकर प्रतिक्रिया चित्तरंजन बेहरा अर्थनीति समीक्षक तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट तांकर प्रतिक्रिया रखुते एवं आरबीआई पक्षर जो घोषणा गुड़िकाई निश्चित रूपे अर्थव्यवस्था को आगक नवारे सहायक हे जो मैंने रही खासकर ऋण जो मैंने नहीं गोटे बड़ आश्वस्ति दब भारत स्थिति अगर देशगुड़िक तुलन भल रही एक आज आरबीआई गवर्नर प्रेस मीट में सूचना दे परवर्ती खबर को जीवा कोरोना लॉकडाउन को नहीं शिक्षा विभाग व्यवस्था पिलांक घरे बही पहुंचाइबे शिक्षक आउ शिक्षयित्री एने निर्देश देते गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास हेले पूरी पुलिस लाइन हाईस्कल विभाग निर्देश को बेखातिर कर घर को जा बही देवा बदल स्कूल खोल जा पिलांक बही ने कह देखते स्कूल भितर चली पुस्तक बंटन दृश्य ना अच्छी सामाजिक दूरत्व ना पालन कर शिक्षा विभाग नियम विभाग निर्देश को न माने स्कूल कर्तृपक्ष खामखियाली नीति अवलंबन कर अभियोग कर संपर्क में डीईओ को अवगत पर तदंत कर केते पिला नेले बही कोई पेर नै जा हमर पिला को केति 10 आपण आपण को श्रेणी रो बही आइले तृतीय श्रेणी बोले घर ठीक जो दिबा को आइतला घर ठीक दउना नै नै आमे सते फोन लाइन ने जोडी होई छंती पुरी बीईओ श्रीमती ममता मिश्रा हम सहित अछंती मैडम आपण को स्वागत जो मळी बाबरे पुरी पुलिस लाइन हाई स्कूल रे नियम रो उल्लंघन करा जाय छी सरकार पक्षर कहला घर पिला बही बांटापी कि स्कूल को डाक बही बांटी सहित कोरोना को नहीं जो भाई भाव में कटक रही सामाजिक दूरत्वपाई कहुई कि सामाजिक दूरत्व पालन कराए पाने एकाठी मेली बही नौ जहाँ भिड आम पाखे अच्छी तो ये नहीं कौन वर्तमान विचार कर कौन कार्यानुष्ठान पक्षर नमस्कार समस्त आम स्कूल पक्ष बारंबार निर्देश दिया जाने बही को स्कूल पॉइंट रे बांटे ना पिला घर घर जा बंटा जीव एवं बंटा जा गत घर घर दी जा टीचर मैंने बांटी
किंतु आज केते जन गार्डियन जो माने दूर दूर से माने कोंठे सुनी जाई छंती से माने आसी पहुंची जाई छंती एवं तांकु प्रधान शिक्षक को पचारीबा परे से भी से कहले बारंबार इंस्ट्रक्शन द्वारा सत्य आसी जाई छंती ए घटना टी भी सत्य किछि पर गार्डियन नै छंती केति पे प्रधान शिक्षक को कारण दर्श नोटिस जारी करा दिबो एवं ए सब कार्यक्रम रो काही करोना ने कथा हूँ जदि पिला घरे बंटा जाइला स्कूल खोला गला कहीं स्कूल सबुठ बंद रही निर्देश अच्छी स्कूल खोला गला कहीं पिला आसी जमा हेले पुणी बांटी दिगला जदि पिला माने आसिले बा अभिभावक स्वेत प्रवृत्त भाव में निज आड़ आसिले फेराई दि जा पारि था कि समस्त को जमा कर जो भाई भाव में सब नियम खोलाखोली उल्लंघन करागला तो इथिपाई केवल कारण दर्शा नोटिस भितर सीमित रहा किसी कार्यानुष्ठान ने आप कार्यानुष्ठान निहाती निया डीओ को सहित परामर्श करी प्रधान शिक्षक एगेंस्ट कार्यानुष्ठान निहाती ग्रहण करा दिबो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपणकर प्रतिक्रिया पाई ममता मिश्र पुरी बीईओ जो भाई भाव में कही कार्यानुष्ठान निश्चित भाव में नि प्रधान शिक्षक विरोध में कारण सरकारी नियम खोला उल्लंघन कर प्रथमतः स्कूल खोली पिला बही बांटा कथा नुहे एने कड़ा निर्देश था गणशिक्षा विभाग ताकू उल्लंघन करागला द्वितीयतः कोरोना को लेकिन जो भाई भाव में गाइडलाइन रही उल्लंघन कर सामाजिक दूरत्व रखा जाए ना स्कूल बंद घोषणा करा किंतु करा सत्वे स्कूल खोलिकी से पिला मानुकु अभिभावक मानुकु बही बांटी ये होची तार दृश्य आम कथा होतुलु ममता मिश्र पुरी भिओ एवं से कहते प्रधान शिक्षक विरोध में एने कार्यानुष्ठान केवल कारण दर्शा नोटिस भितर सीमित हो रहा सी डीओ को संपर्क में अवगत कराइबे बोली सारा विश्व में भयंकर रूप धारण करुछि किलर भाइरस सारा विश्व में 1,45,000 पार करुछि मृत्यु संख्या वर्तमान सुधा 21,83,000 अधिक लोक ए मारात्मक भाइरस द्वारा आक्रांत हो सारे केवल अमेरिका में 34,000 अधिक लोकंकर मृत्यु होइछि सेपरि इटाली में 22,000 अधिक लोकंकर मृत्यु होइथिबा बेले 1,68,000 अधिक लोक एथिरे आक्रांत होइछन्ति स्पेन में 19,000 अधिक लोक प्राण हरा बेले 1,84,000 अधिक संक्रमित होती मृत्यु तालिकार तृतीय रही फ्रांस एठारे 17,900 अधिक लोकों मृत्यु होता बेले 1,65,000 अधिक संक्रमित चिन्हट होतीपरी ब्रिटेन में 13,700 जर्मानी में 4,000 और ईरान में 4,800 अधिक लोकों जीवन नेला किलर भाइरस सारा विश्व में कोरोना द्वारा सर्वाधिक क्षतिग्रस्त कोरोना को नहीं अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर बड़ा घोषणा करिछंती जे ओपनिंग ऑफ अमेरिका अगेन प्लान कहिछंती पुणी आरंभ हेउछि नुआ जीवन एथिरे अर्थनीति को दिया नवजीवन ट्रंप कहिछंती केवल सोशल डिस्टेंसिंग नियम पालन कले हेबो नै अन्य समस्त नियम को कड़ाकड़ी भाव में लागू करा जिवो यदि संक्रमण मामला कम हेबा जणा पड़िबो तबे द्वितीय पर्याय रे धीरे धीरे काम आरंभ करा जिवो व्हाइट हाउस रो दैनिक प्रेस ब्रीफिंग रे एक कथा स्पष्ट करिसेंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एथिसहित से नुआ योजना रे अनेक पदक्षेप संपर्क रे घोषणा मध्य करिसेंती परवर्ती खबर उपरे नजर पकेबा देश रे बढ़ुची कोरोना मृत्यु संख्या संक्रमण बढ़ुथुआ बळे मृत्यु संख्या 438 रे पहुंचीची से परि आक्रांतक संख्या 13,387 पहुंची मोट 1,749 जन सुस्थ हो घर को फेरी मध्य जड़े विदेशी अच्छा वर्तमान 12,201 जन को विभिन्न हस्पिटाल चिकित्सा करा तबे महाराष्ट्र में संगीन होती महाराष्ट्र में 194 जनकर मृत्यु होता बेले आक्रांत होती 3,205 सेपरी सुस्थ हो फेरी सारे 300 आक्रांत मध्यप्रदेश में 53 जनकर जीवन कोरोना भाइरस लेता बेले आक्रांत होती 1,120 राजधानी दिल्ली में 38 गुजरात में 36 तेलंगाना 18 तमिलनाडु में 15 और पंजाब में 13 जनकर मृत्यु हो सारी वर्तमान सुधा कोरोना भाइरस जो कोरोना युद्ध में लोकों सुरक्षित रखापी स्वास्थ्यकर्मी पुलिस प्रशासन अहरह संग्रह करुछी निज जीवन को बाजी लगाई
ଏମାନେ ଅନ୍ୟଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏହି ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା। ପୁଲିସ କର୍ମୀଙ୍କୁ କରୋନାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଛାତ୍ର। ଗୁଜରାଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓ ଇନୋଭେନ୍ସନର ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାସ୍କ। ମାସ୍କଟି 3D ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍। ଏହା ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ସହ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। कोरोना वायरस का दिन ब दिन खतरा बढ़ रहा है और उसी के चलते गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है जिनके स्टार्टअप है उन्होंने, आप देख रहे हैं मैंने जिस प्रकार का मास्क पहन रखा है, पुलिस वाले ने जिस प्रकार का मास्क पहन रखा है वो 3D प्रिंटेड मास्क है और यही मास्क GTU के स्टार्टअप ने बनाया है। GTU के स्टार्टअप अपने साथ है, किस प्रकार से ये मास्क बनाए क्या कहेंगे? यस, इट इज़ 3D प्रिंटेड मास्क, सो इट इन्वॉल्व्स द एडवांस टेक्नोलॉजी 3D प्रिंटिंग। सो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स लेस ह्यूमन कॉन्टेक्ट, सो इसमें इंसानों का हाथ ज़्यादा लगा नहीं है। सो 3D प्रिंटिंग का वो एक एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज इज इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल द रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी जो मुँह से छाटे निकलते हैं वो छाटों को ये प्रोटेक्ट करता है। सो इट इज़ डबल प्रोटेक्शन। सो बेसिकली इट कैन इन्वॉल्व एंड इट कैन प्रोटेक्ट द मोर ह्यूमन अलॉन्ग विथ ऑल इंटीग्रेशन ऑफ पीपल्स। इसके साथ ये इजीली असेंबल कर सकते हैं, यानी इसको ओपन भी और इजीली असेंबल कर सकते। सो ये इसका एडवांटेज है। सो बेसिकली वी आर सपोर्टेड बाय द GTU एंड DIC सपोर्टेड, फैबलैब सपोर्टेड स्टार्टअप। सो वी आर बेसिकली प्राइवेट माहीटेक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड आई एम फाउंडर ऑफ इट। सो GTU का इकोसिस्टम का सपोर्ट के बिकॉज ऑफ दैट वी क्रिएटेड सच काइंड ऑफ फेस शील्ड। इट इज़ अ काइंड ऑफ फेस शील्ड फॉर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द वॉरियर्स ऑफ द कोरोना वॉरियर्स। सो दिस इज बेसिकली द काइंड ऑफ इनोवेशन। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द मोर ह्यूमन टू फाइट अगेंस्ट द कोरोना। ज़्यादातर ऐसे मास्क है वो डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के लिए काम आते हैं। GTU के वाइस चांसलर नवीन सेठ सर भी अपने साथ है। सर ये जो मास्क बनाए हैं कितने दिन चलते हैं, कितना जो मार्केट वैल्यू है क्या कहेंगे, और सैनिटाइजर भी बनाए हैं बच्चों ने? अच्छा, जब ये कोरोना की महामारी शुरू हुई तो हमारे जो इनोवेशन काउंसिल के जो यंग इंजीनियर्स थे उनको बोला कि भाई आप कुछ अपना प्रदान करना चाहिए इस महामारी में, तो उन्होंने तुरंत ये 3D प्रिंटर जो हमारे पास है उसका यूज़ करके ये 3D प्रिंटेड मास्क बनाया। बिल्कुल यूनिक प्रकार का ये मास्क है, ऐसा मास्क अभी पूरे हिंदुस्तान में मार्केट में नहीं है। ये बिल्कुल डबल प्रोटेक्शन देता है, जो यूजुअल मास्क आता है उससे अलग प्रकार का है, जो पर्टिकुलरली दोज हु आर वर्किंग इन दी पब्लिक प्लेसेस, जो ज़्यादा लोगों के संसर्ग में आते हैं तो उनको ये बहुत अच्छी सुविधा रहती है, पुलिस को, हेल्थ एम्प्लॉयज़ को, तो इसके लिए बहुत उपयोगी है। 6 महीना तक उसका कोई, और एकदम नॉमिनल प्राइस है, अभी मार्केट प्राइस हमने डिसाइड नहीं किए, पहला हमने ऐसे 200 एक्सपेरिमेंटल बेस पर सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है अहमदाबाद में। सैनिटाइजर भी बनाया है, वो कैसे बनाया है? हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है, हमारा GTU की जो स्कूल ऑफ फार्मेसी है, तो उनके जो प्राध्यापक है और स्टूडेंट्स है रिसर्च के, तो उन्होंने तुरंत ये सैनिटाइजर बिल्कुल WHO की गाइडलाइन के मुताबिक बनाया, जो अच्छी प्रकार का 99.9 जर्म्स किल्स होते हैं इस प्रकार का, तो ये भी बहुत अच्छा प्रकार का बनाया है, तो वो भी हमने पर्टिकुलरली पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को दिया है। उसमें सेलिंग करने का कोई आइडिया नहीं, अभी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। थैंक यू सर। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और उसी के चलते GTU के स्टार्टअप है उन्होंने ये इनोवेटिव और यूनिक जो मास्क तैयार किया है, और वो अभी पुलिस को भी, जो ज़्यादातर लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, तो पुलिस को भी ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन धवल पटेल के साथ संजय कांक, न्यूज 18 इंडिया। आज प्रभात पुरुष बिजु पटनायक 23तम श्राद्ध दिवस। सारा राज्य में निराडंबर भाव में पालन कर बिजु श्राद्ध दिवस। समग्र मानव समाज कोरोना भली महामारी को मुकाबला करुछि, एहाकु दृष्टि रे रखी प्रभात पुरुषंकर श्राद्ध दिवस को निराडंबर भाव में पालन कर अवसर में सामाजिक दूरता रक्षा करे विजु जनता दल अगणित कर्मी और दलर नेतृवृंद निज निज घर विजु बाबू फोटोचित्र पुष्पमाल्य अर्पण करने को परामर्श दि जाए। तेज दीर्घ दिन धरी दल पक्षर कर सामाजिक कार्यक्रम जीवन बिंदु जारी रणे भी व्यक्ति जपरी रक्त भाव स्वास्थ्यगत समस्या न पड़ती से दृष्टि देवा बीजेडी सभापति तथा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दलर प्रति नेता कर्मी और शुभेच्छुक नवेदन कर श्राद्ध दिवस अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विजु पटनायक को श्रद्धांजलि जनाई।
सेपटे भुवनेश्वर बिंदुसागर में भी विजु श्राद्ध वार्षिक तिलतर्पण कर मंत्री अशोक पंडा और विधायक अनंत नारायण जेना चलित बर्ष निराडम्बर भाव में श्राद्धवार्षिक पालन लगे कहु एधिक नेता और कर्मी जोगदे ना सामाजिक दूरता रक्षा करने बिंदुसागर पवित्र जल में विजु बाबू को तिलतर्पण कर तालचेर नेहरू शताब्दी केन्द्रीय हस्पिटाल रे स्वतंत्र कोविड हस्पिटाल रो प्रस्तुति कार्य शेष होई उन्नयन कमिश्नर सुरेश महापात्र 5T सचिव बीके पांड्यान हस्पिटाल रो बुली स्थिति समीक्षा करिसेंती उत्तर केन्द्रांचल आईजी नरसिंह भोल जिलापाल मनोज कुमार महांती एसपी जगमोहन मीना एमसीएल अधिकारी प्रमुख उपस्थित थे स्वतंत्र कोविड हस्पिटाल 150 शय्या रही 6 आईसीयू व्यवस्था करा उन्नयन कमिश्नर सुरेश महापात्र 5T सचिव हॉस्पिटल रे सज्जा संख्या सह अन्य भित्तिभूमि बुली देखी गंजाम पर कठोर हेले भद्रक जिलापाल एणिक सर्वसाधारण स्थान में छेप पक मना उल्लंघन कले आदाय 500 टंका जरिमाना ट्वीट कर एने सूचना देखते भद्रक जिलापाल गंजाम आउ भद्रक पर कोरापुट जिले में मध्य छेप पकाइबाकु नै कटकणा जारी करा जाइछि सर्वसाधारण स्थान रे छेप पकाइले लोके गणिबे तंड एने जिला प्रशासन पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जाइछि प्रथम द्वितीय तृतीय थर छेप पकाइबा पई 200 टंका धार्य होइछि हेले परवर्ती अवस्था रे धरा पड़िले प्रतिथर 500 टंका लखाय जरिमाना देबाकु पड़िबो ए निर्देशनामा जारी करिछन्ति कोरापुट जिलापाल अनेक समय रे आबे पुलिस रा भिन्न भिन्न रूप देखिछे केबे केबे आईन श्रृंखला नियम कानून को पालन करिबा लागि जाय पुलिस कठोर होई थाए बल प्रयोग भी करिथाए किंतु कोरोना समय रे पुलिस रो एमिति सब दृश्य सामना को आसीछि जहां देखिले जे केही भी कहिबे सबा एबे एमिति एक दृश्य आपन को आमे देखाइबु कटक रे दृश्य आपन देखुथिबे टीवी स्क्रीन रे ए होछन्ती कटक महिला थाना एसआई वर्षा महंती ड्यूटी समय रे रास्ता कड़े थिबा जने असहाय महिला को निज हाथ में खाद्य खुआ दृश्य जे के ही देखिले मुंड श्रद्धार नई जीव ए दृश्य को कई जड़े क्यमेर तोली धरिबा परे यहाँ ट्वीट कर ढेर प्रशंसा करिसेंती निजे कटक डीसीपी डीसीपी का ट्वीट एवं सोशल मीडिया रे वायरल होछि महामारी कोरोना पाई पूरा देश में पड़ी प्रभाव घरे लोके सरकारी नियम को मानि नाकाबंदी अवस्था रहुछंती किंतु एभली समय कोरोना भय को खातिर नकरी कर्तव्य को गुरुत्व दे काम करुछंती सफे कर्मचारी और पुलिस ए कोरोना वीर मान धन्यवाद जणाइबा सह संबर्धना करिसेंती ढेंकानाळर एसएचजी ग्रुप रा महिला माने सेमानंकु दही सर्वत साबुन और सानिटाइजर मध्य दिया जाइछि एने अधिक सूचना देउछंती हम प्रतिनिधि आशीष रंजन शतपथी कोरोना एबे पूरा विश्व को ग्रास कर कोरोना मुकाबला वर्तमान प्रकृत योद्धा जो मैंने रही पुलिस कर्मचारी हूँ बा सफाई कर्मचारी 24 घंटा सेवा से जोगाई देती लोक मत सहित परामर्श भी देखते लोक मैंने किभ भाव में घरे सुरक्षित रे सतर्क रे से जो भाव आग को आगे आसी सेवा जोगाई देते से आज ढेंकानाळ जो रही स्वयं सहायक गोष्ठी महिला माने आज एकत्रित होती सहर विभिन्न स्थान में ड्यूटी करुवा बेले पुलिस कर्मचारी हूँ सफाई कर्मचारी से आज संबर्धना भी करसंगे से दही पा पीवा सहित तो किसी शुखिला खाद्य बंटन कर सचेतनता साबुन बंटा ये पद्मश्री आंचलिक महासंघ तरफ आज आम पुलिस भाई आउ आमर सफेई भाई भौनी मानकु से आमर जो सेवा करछंती प्रकृत डॉक्टर माने ए माने होछंती आमर दि हीरो ये हीरो होंते आमर आज ए कोरोना को विदा करया पई ए माने जो साहस बल देखैकरी काम करछंती यदि ताकु आज धन्यवाद दउ ताकु आज समर्थित करा जाइछि आज ये परिवेक्षी रे मु ताकु धन्यवाद दउछि जे सेमाने ए जो तांकर पिला छुआ को छाड़ी तांकर खाद्य पत्र ठीक समय न खाई तांकर स्वास्थ्य पर जागृत न रहिकि तथापि सेमाने आज हीरो भलिया काम करछंती एही विपद समय रे ये जो आम पुलिस भाई हूँ सफाई कर्मचारी म्युनिसिपैलिटी हूँ जो भाव में दिन राति परिश्रम कर ठीक समय रे समय नदे से जन गरीब जनसाधारण मानी चेष्टा जारी रखिंट से समय बुलेटिन बर्तमान खबर को रखा नमस्कार।